फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण कथन और उसके राइटर जिन्होंने उसको कहा है। और ये पैटर्न आप जानते हैं कि पीजीटी टीजीटी में स्पेशली आता है, नेट जेआरएफ में भी आता है, लेकिन उसमें थोड़ा हाई लेवल का आता है। और जो टीजीटी पीजीटी है उसमें सिंपल स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, ओरिजिनल जो बुक्स होते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में और या पीजी में, वहाँ से पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे, फेमस स्टेटमेंट। सभी इसमें फेमस नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, फेमस वाले तो आपको जबान पे याद रहते हैं। और तो ये सभी स्टेटमेंट्स देखेंगे हम और उनके राइटर्स के नेम भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कथन है फ्रेंड्स, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है। ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। अगला कथन है, संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। ये जेलिनेक का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। ये स्टेटमेंट हर्बर्ट साइमन का है। अगला है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसीलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है। इसको जो है सीडी बॉन्स ने ये स्टेटमेंट कहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला स्टेटमेंट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये हीगल का, आप जानते होंगे, नेट जेआरएफ में तो कई बार ये पूछ चुका है। अगला हमारा स्टेटमेंट है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है। ये किसने कहा है? लेनिन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है और वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च श्रृंखलता में बदल सकती है। ये पोलार्ड का कथन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नागरिकों की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये कौन कहता है? लॉक कहते हैं। ये सामाजिक समझौता वाले विचारक हैं, हॉब्स लॉक रूसो को आप जानते होंगे। तो लॉक इसमें जो है कहते हैं कि नागरिकों की सर्वाधिक स्वतंत्रता किसमें है? कानून के चुप रहने में है। नेक्स्ट देखते हैं, कानून संप्रभु का आदेश है। ये भी काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। ये कथन किसने कहा है? रेमजे म्योर ने। अगला कथन देखते हैं, प्रशासन अभी इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। ये पाल एपलबी जो है ऐसा कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं, आगे देखते हैं हम, युद्ध सामूहिक नरसंहार है। युद्ध को सामूहिक नरसंहार किसने कहा है फ्रेंड्स? टीएच ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यदि संप्रभुता संपूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व ही न होगा। ये हाब्स का कथन है। नेक्स्ट है, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? बारकर ने कहा है। अगला है, राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी, न ही परिवार का विस्तार मात्र। ये बात गार्नर ने कही है। अगला है, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं। ये बात डी टॉकविले ने कही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट है, विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है। युद्ध पुरुष के लिए ऐसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। ये मुसोलिनी ने कहा है। आप जानते हैं कि मुसोलिनी जो है वो फासीवादी विचारक था, विचारक नहीं था, वो शासक था इटली का जो है। नेक्स्ट कथन है, राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है। ये कथन ब्लंट्सली का है। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है, ये कहा है सीई वाहन ने। अगला कथन है, जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है, ये भी काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, वाटर लिपमैन ने इसको कहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसमें पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है, जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने का अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती, ये कथन किसका है, लीबर का है, लीबर ने ऐसी बात कही है। अगला कथन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये किसका कथन है, बिलोबी का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंतोतगत्वा राज्य का, ये मैकाइवर का कथन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट है, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विधिक हितों का समन्वयकर्ता माना, इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है, ये किसने कहा है, वेपर ने कहा है फ्रेंड्स। अगला कथन देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं वरन अधिकार का विषय है, ये किसने कहा है, आशीर्वादम ने कहा है। अगला कथन है, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, एंजल्स का स्टेटमेंट है ये। अगला देखते हैं, मार्क्स के दस कैपिटल को किसने अप्रासंगिक पुस्तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर एवं प्रयोग योग्य नहीं, अर्थात न रुचिकर है न ही प्रयोग योग्य है, ऐसा किसने कहा है, ऐसा लॉर्ड किब्ज ने कहा है, मार्क्स की पुस्तक जो है दास कैपिटल के संबंध में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट है, राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य ही करने चाहिए, ऐसा कौन कहता है, ऐसा हेयक कहते हैं। नेक्स्ट है, कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है, वह सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है, डिग्वी ऐसा कहते हैं। अगला कथन है, प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है, टेलीरैंड ऐसी बात बोलते हैं। अगला है, राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, अरविंद घोष जी ऐसा कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को सारे। पहला है, ज्ञानवर्धक अराजकतावाद की स्थिति जहां हर कोई स्वयं अपना शासक है, इसको कहा है प्रिंस क्रेपा टकिन ने। नेक्स्ट है,